नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज रूम पोस्ट में। बचपन से हमने पढ़ा और सुना है कि धरती के लगभग 70% हिस्से पर पानी ही पानी है, लेकिन इनमें से अधिकांश खारा है जो पीने लायक नहीं है। हम सभी जमीन के अंदर से पानी निकाल कर पीते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि धरती के नीचे कितना पीने लायक पानी है और कितना पानी अभी बचा है? दरअसल वैज्ञानिकों ने धरती के नीचे बचे पानी के बारे में अपने रिसर्च में विस्तार से बताया, तो चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं। लाइफ साइंस की रिपोर्ट के मुताबिक सस्केचेवान विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने 2021 में एक रिसर्च की थी। इस रिसर्च में वह यह जानना चाह रहे थे कि धरती के नीचे मिट्टी या चट्टानों में कितना पानी छिपा हुआ है। इसमें यह पता चला कि महासागर ग्रह पर पानी का सबसे बड़ा भंडार बना हुआ है, जिनमें लगभग 312 मिलियन क्यूबिक मील पानी भरा हुआ है। लेकिन धरती के अंदर भी पानी कम नहीं है। पृथ्वी की कोर में लगभग 43.9 मिलियन क्यूब किलोमीटर पानी है, जो धरती पर मौजूद कुल पानी का लगभग 1/4 है। वहीं इससे काफी कम पानी लगभग 6.5 मिलियन क्यूबिक मील अंटार्कटिका की बर्फ में छिपा हुआ है। लेकिन खास बात यह है कि धरती के नीचे मौजूद ज्यादातर पानी पीने योग्य है। जर्नल जियोफिजिकल रिसर्च लेटर में की रिपोर्ट में बताया गया है कि जमीन से जिस पानी को हम खींचते हैं वह सदियों से धरती के अंदर मौजूद है। हम इससे बहुत सारा पानी हर साल निकालते हैं, लेकिन बारिश और अन्य स्रोत से यह दोबारा रिचार्ज हो जाता है। नेचर जियोसाइंस जर्नल में 2015 में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी। उसमें अनुमान लगाया गया था कि पृथ्वी की परत के ऊपरी 2 किलोमीटर में 22.6 मिलियन क्यूबिक किलोमीटर पानी भरा हुआ है। लेकिन अब वैज्ञानिकों ने रिसर्च के बाद जो रिपोर्ट लाया उसके मुताबिक यह 23.6 मिलियन क्यूबिक किलोमीटर हो गया है। रिसर्च के लेखक ग्रांट फर्ग्यूसन ने लाइफ साइंस को बताया कि यह अधिकतर ताजा पानी है और इसका उपयोग पीने और सिंचाई के लिए किया जा सकता है। वह इसके विपरीत जो गहरा भूजल है वह खारा होता है। कुछ स्थानों पर तो यह काफी नमकीन है, लेकिन उन्होंने बताया कि यह उतना खराब नहीं जितना महासागरों का पानी होता है। मेरे साथ इस रिपोर्ट में बस इतना ही, और भी खबरों के लिए देखते रहे न्यूज रूम पोस्ट।